This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड इन्वेस्ट 200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। देश के जाने माने कारोबारी अनिल अंबानी इस वक्त कर्ज के जंजाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। कर्ज चुकाने में अनिल अंबानी नाकाम होते दिख रहे हैं और अब कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को एक और झटका लगा है। प्राइवेट सेक्टर के कर्नाटक बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के 160 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन को फ्रॉड घोषित किया है। कर्नाटक बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि बैंक ने RBI को इन दोनों लिस्टेड कंपनियों के फ्रॉड के बारे में सूचना दे दी है। दोनों कंपनियों पर लेंडर्स का 160 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस पर 21.94 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड करने का आरोप है, तो वहीं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर 138.41 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड करने का आरोप है। लेंडर्स ने कहा है कि वो 2015 से रिलायंस होम फाइनेंस और 2014 से रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के साथ काम कर रहा है। रिलायंस होम फाइनेंस को लोन के संबंध में 24 लेंडर्स एक मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट का हिस्सा थे, जबकि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के मामले में 22 लेंडर्स लोन एग्रीमेंट का हिस्सा थे। कर्नाटक बैंक ने कहा है कि रिलायंस होम फाइनेंस में मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी 0.39% और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में 1.98% हिस्सेदारी है। लेंडर ने कहा है कि उनके दोनों मामलों में कंपनियों को दिए गए लोन के खिलाफ 100% तक प्रोविजन किया है। कर्नाटक बैंक ने कहा है कि दोनों खातों को NPA के रूप में रखा गया था और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। इससे बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रिलायंस होम फाइनेंस को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रिलायंस होम फाइनेंस को 2887 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। इस डील के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई में बैंक ग्रुप को 2887 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें 90% यानी 2587 करोड़ रुपए का भुगतान पहले किया जाएगा, जबकि बाकी 300 करोड़ रुपए कंपनी एक साल के भीतर देगी। अनिल अंबानी सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। अनिल अंबानी पर पहले ही कर्ज का अंबार है। रिलायंस ग्रुप पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। आज अनिल अंबानी की हर बड़ी कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। वो डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। उनकी कई कंपनियों के खिलाफ तो दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यूं तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, हर कारोबार को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन समस्या ये है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी राजस्व से पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिल सके। अनिल अंबानी के गलत फैसलों की वजह से उनका ये हाल हुआ है।